नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप कॉइन स्विच ऐप यूज़ करते हैं और इसके अंदर अगर आप पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने पहले से 100 रुपीज़ यहाँ पर डिपॉजिट किया है। 100 रुपीज़ डिपॉजिट करने के बाद मैंने 100 रुपीज़ का ट्रेड लिया है, यानी मैंने इथेरियम को बाई किया है। जैसे ही मैंने बाई किया, उसके बाद मुझे यहाँ पर 50 रुपया फ्री में रिवॉर्ड में मिल गया। अभी इथेरियम डाउन है, इसीलिए यहाँ पर वैल्यू 139 ही दिखा रहा है। अगर आप भी इस टाइप से पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप कॉइन स्विच ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, अकाउंट बना लीजिएगा। अकाउंट कैसे बनाएंगे उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे देकर आप अकाउंट बना सकते हैं और यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कॉइन स्विच ऐप के अंदर आप पैसा डिपॉजिट कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने कॉइन स्विच ऐप को ऑन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर ऐड मनी का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आपको बैंक का डिटेल मिलेगा, बैंक का नेम मिलेगा, बेनिफिशियरी मिलेगा, बैंक अकाउंट नंबर मिलेगा और आईएफएससी कोड मिलेगा और टाइप सेविंग अकाउंट है। तो ये डिटेल आपको सबमिट करनी है, यानी इसी डिटेल के ऊपर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है। मिनिमम 100 रुपये आप डिपॉजिट कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 लाख रुपए। तो जितना भी आपको डिपॉजिट करना आप कर लीजिएगा। मैं भी 100 रुपीज़ यहाँ पर लाइव आपको डिपॉजिट करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैंक नेम, यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर कॉपी कर लूँगा। डायरेक्ट इस बटन पर आपको क्लिक कीजिएगा, अकाउंट नंबर आपका कॉपी हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि जो आपने बैंक अकाउंट लिंक कर रखा है कॉइन स्विच ऐप के अंदर, उसी बैंक की नेट बैंकिंग से आपको पैसा डिपॉजिट करना है। अदर बैंक की आपको यूज़ नहीं करना है, जो आपने लिंक किया है वही बैंक होना चाहिए पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो चलिए, यहाँ पर मेरा PNB है तो मैं इस नेट बैंकिंग को ओपन कर लेता हूँ। चलिए, यहाँ पर मैं पिन डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने नेट बैंकिंग को ऑन कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र ऐप पर आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा क्विक फंड ट्रांसफ़र। अगर आपके पास में कोई दूसरा नेट बैंकिंग है तो भी आपको पैसा ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन वहाँ पर भी मिल जाएगा, लेकिन एक बार आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा ताकि आपको फंड ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, क्विक फंड ट्रांसफ़र के ऊपर। इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ पर IMPS पे आप क्लिक कर लीजिएगा, जो अकाउंट नंबर आपने कॉपी किया है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, यानी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर कंफर्म अकाउंट नंबर। तो चलिए, हम यहाँ पर एक बार दोबारा अकाउंट नंबर को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको दोबारा कॉपी कर लिया है और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद में IFSC कोड पूछ रहा है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए, हम IFSC कोड यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद में ये पूछ रहा है अकाउंट होल्डर नेम, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर बैंक नेम दिया गया है तो इसको कॉपी कर लीजिएगा आप। यहाँ से कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर पूरा नाम नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फुल नेम यहाँ पर नहीं आ रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपीज़ आप डाल दीजिएगा, आप ज़्यादा भी डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा आपको अगर कोई डाउट लगता है तो यहाँ पर सबसे पहले 100 रुपये आप डिपॉजिट करिए। अगर 100 रुपये डिपॉजिट हो जाता है सक्सेसफुल तो फिर आप जितना मनी चाहें डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। 100 रुपीज़ डाल दिया मैंने, फिर यहाँ पर व्यू समरी पर क्लिक कर लूँगा। उसके बाद में यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर मेरा पिन डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने पिन डाल दिया, अब मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, तो चलिए वो भी मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। OTP डालने के बाद कंफर्म कर लीजिएगा, यहाँ पर वेरीफाई करेगा आपका OTP और जैसे ही वेरीफाई होते ही आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया है।
और यहाँ पर मुझे मैसेज भी आ गया डिपॉजिट 100 रुपीज़ INR। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर नेट बैंकिंग को बंद कर देते हैं और चलते हैं हमारे कॉइन स्विच ऐप के अंदर। चलिए मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रॉल करके व्यू ऑल पर। अभी मैंने 10:23 पर 100 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिया। यहाँ पर पहले डिपॉजिट था 100 रुपीज़ और मैंने 100 रुपीज़ और डिपॉजिट कर दिया। करंट वैल्यू मेरी 109 रुपये हो गई है। ठीक है, ये मेरे 109 रुपये मेरे वॉलेट के अंदर पड़ा हुआ है और ये जो मेरा पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपने कॉइन स्विच ऐप के अंदर पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं।